गाइस वेलकम टू द ब्लॉगिंग डॉग। और बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गए मेरे को ब्लॉग किए हुए, और आज मैंने सोचा ब्लॉग करते हैं। मेनली उन लोगों के लिए ब्लॉग कर रहा हूँ मैं जो यहाँ नया एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि कैसे में कैसा होगा क्या होगा। ट्रस्ट मी, सच में बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह। कैंपस 5 लोगों में एक विलेज में, और बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ से रिवर भी है, माउंटेन भी है, घूमने जैसी चीज़ें बहुत है। तो सबसे पहले हॉस्टल, मैस और कॉलेज, मतलब बेसिकली पूरे कैंपस का टूर देने वाला हूँ मैं इस ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं। ये हमारे कैंपस का मेन गेट है। वैसे मुझे गार्ड वीडियो बनाने से रोक रहा है, बट फिर भी मैं बना लेता हूँ। तो बस ये मेन गेट है, और यहाँ पर बाहर कुछ शॉप्स है जिनको हम मैगजीन बोलते हैं, इस तरफ भी एक है। तो चलो आपको पहले मैं शॉप दिखाता हूँ अंदर से। सो ये वाली हमारी फेवरेट शॉप है, इसमें चलते हैं हम। और यहाँ पर आप बेसिकली सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने का हर चीज़ मिल जाएगी बेसिक चीज़ के लिए। और आपको इंडियन नमकीन वगैरह भी मिल ही जाएगी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है इंडियन फूड के लिए। और बेसिकली जो भी आपको हॉस्टल के लिए चाहिए होता है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। स्टेशनरी भी। सो ये है हमारी एंट्रेंस, और इस तरफ है गर्ल्स हॉस्टल। सबसे पहले एंटर करते हैं, जिस तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, और इसके बैक साइड में है हमारा मेन कॉलेज। और जो उधर आपको दिख रहा है सामने, वो है हमारा बॉयज़ हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 2। ये है हॉस्टल नंबर 1। और ATM है यहाँ पे बिल्कुल, अगर जब भी आपको पैसा निकालना हो तो ATM बिल्कुल ही पास में है यहाँ से। सो ये जो ऊपर रास्ता जाता है, ये जाता है हमारे हॉस्टल नंबर 2 को, और उसी के नीचे वहाँ पे अंडरग्राउंड में मैस है, रास्ता मैस को जाता है। और इस तरफ हमारा कॉलेज का रास्ता है, उधर वॉलीबॉल बास्केटबॉल कोर्ट है, और ओपन जिम भी है उधर। वहाँ पे फ़िलहाल हम बाद में जाएंगे, फिलहाल हम चलते हैं हॉस्टल नंबर 2 की ओर। सो ये रास्ता मैस में जाता है यहाँ से, और ये हमारे पीछे हॉस्टल नंबर 2 यानी कि बॉयज़ हॉस्टल के पीछे का है, यहाँ पे कचरा डंप करने के लिए। और उधर जो शेड है वहाँ पर हमारी MCI क्लासेस चलती है, फ़िलहाल तो वही चल रही है, और अभी बायोकेमिस्ट्री क्लासेस चल रही है तो हम जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। और प्रिटी मच यही है। और मैथ्स के अंदर का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हमारे मैथ्स का टाइम हो जाएगा, अभी हमारे मैथ्स का टाइम है नहीं, पाकिस्तानी के मैथ्स का टाइम है। तो गाइस चलते हैं हॉस्टल नंबर 2 की ओर। और उस पर बच्चे अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, अभी टूर्नामेंट चल रहा है वॉलीबॉल का कुछ। और वहाँ पर डोम है, और वो है हॉस्टल नंबर 3, वो है पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के लिए। ये है हॉस्टल नंबर 2 इंडियंस के लिए, यहाँ पर इंडियंस ही रहते हैं प्रिटी मच। और ये यहाँ पर एंट्रेंस है, ये जो ब्लॉग जैसा दिख रहा है ये एंट्रेंस है हमारे हॉस्टल की। और मामा बारी खड़ी है, वैसे मामा यहाँ पे चाबी का ध्यान रखता है, कैमरा पे बैठी रहती है, एनी टाइम सिक्योरिटी रहती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये हॉस्टल नंबर 2 का एंट्रेंस, और यहाँ मामा बैठती है सिक्योरिटी के लिए एनी टाइम। रात भर ये यहीं रहते जगते हैं, कैमरा चेक करते हैं, और चाबीज़ वगैरह यहाँ रखी जाती है। और ये बहुत प्रिटी एरिया एक्चुअली, बहुत गार्डनिंग की हुई है, और यहाँ पे हम बैठते रहते हैं बहुत बार टाइम पास के लिए। और हाँ, इधर लॉन्ड्री के लिए कपड़े दिए जाते हैं, उधर पीने के लिए पानी है, और स्टडी हॉल इस तरफ है हमारा स्टडी हॉल। मुझे नहीं लगता भी कोई है यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि सब वॉलीबॉल के नहीं है, बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पियानो भी दे रखा है अगर आपको बजाना हो तो। और यहाँ पर स्टडी हॉल बहुत स्पेशियस है, ऊपर भी है वैसे एक स्टडी हॉल ऊपर वाले फ्लोर पर, और मेरे को बेसिकली यहाँ नीचे ज़्यादा अच्छा लगता है ऊपर से। बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों को। चलो चलते हैं। और ये इस तरफ बॉयज़ हॉस्टल का एंट्रेंस है, एक्चुअल एंट्रेंस वो इस तरफ है, और ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर फ्लोर पे भी बहुत सारे रूम्स है, सारे रूम्स हैं। ये कमांडेंट का रूम है पहला रूम, दूसरा डॉक्टर का, डॉक्टर नर्स एनी टाइम यहाँ अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ से सारे रूम स्टार्ट है, और यहाँ पे एंड होता, फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू है। ये यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, बच्चे यहाँ पे फेस वॉश हाथ पैर धो लेते हैं, बहुत स्पेशियस जगह वैसे तो ये। और इधर है शावर रूम, वैसे ये शावर रूम नंबर 2 है, उस तरफ एक और है, और वॉशरूम हर फ्लोर पे 2-3 है। बच्चे नहा रहे हैं अंदर, अंदर से क्या दिखाऊं मैं।
और यह शावर रूम में आपको ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ शावर रूम का अंदर से, नहीं तो ये स्पेशियस जगह है यहाँ पे बैठने के लिए, वेटिंग एरिया, और इसके अंदर वैसे बच्चे नहाते हैं, वैसे तो नहा रहे बच्चे, आ जा आ जा। और ये है हमारे दोस्त का रूम। अरे कहाँ गए? ये 3 सीटर रूम है, 3 कवर है, वो है वो नहीं, 3 वार्डरोब है, 4 कबर्ड है, और ये 3 बेड है इनके। तो लगता है ये लोग यहाँ हैं नहीं रूम में फिलहाल, तो चलो अभी चलते हैं हमारे रूम की ओर। और ये इस तरफ वॉशरूम्स है, और ये है हमारा प्यारा सा रूम 223। और ये है हमारा रूम, इसमें रहते हैं दीपेश, मैं और फिरोज। और मुझे हमारा रूम सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारा रूम है इसलिए हमको सबसे अच्छा लगता है। तकिया बहुत टाइट है, मेरा बिस्तर ज़्यादा अच्छा है तेरे से। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी किस्मत, जो पहले आके बिस्तर ले उसको अच्छा बिस्तर मिल जाता है वैसे तो। और ये हीटर है, थैंक गॉड हर रूम में हीटर लगे, वरना सर्दियों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाहर देखो अभी भी अंधेरा हुआ नहीं है। और ये हमारे हॉस्टल रूम नंबर 2 के बाहर का आगे वाला साइड का व्यू है, जहाँ पे बच्चे बेसिकली कपड़े सुखाते और ये बालकनी आए, ये हर अल्टरनेट रूम के आगे गेट दिया हुआ बालकनी का, वो हम आपको अंदर से व्यू देंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, और वहाँ पर वो जो है कैफे टाइप का वो है, ऊप्स, वहाँ पर इंडियन फूड मिलता है, खाते हैं बच्चे, मैं आपको वहाँ का भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे बच्चे प्रीटी मच क्रिकेट खेलते हैं मोस्टली, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले बच्चे क्रिकेट का मैच वैच चल रहे थे, खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे बैठने के लिए ऐसे बाहर जो बच्चे वॉक वॉक करते हैं उनके लिए बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह दे रखी है। और ये है हॉस्टल नंबर 2 के बाहर का व्यू, और ये है ऊप्स जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सही में हाँ आज बंद है फिलहाल, एनी वेज ये मैं बाद में भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं। बाकी ये ऊप्स है, आप पुराने ब्लॉग में भी देख सकते हो, बच्चे यहाँ मोस्टली बर्थडे पार्टी वार्टीज करते हैं और या यहीं पे पार्टी करते हैं, मोस्टली यहाँ पर चाय वाय पी लेते हैं इवनिंग में। और यह बेसिकली सिर्फ इंडियन फूड्स के लिए, इंडियन फूड्स ही मिलते हैं। और ये बस वही है वापस आगे वाला व्यू हॉस्टल नंबर 2 के, ये है हॉस्टल नंबर 3। और यहाँ पे 2 लेक्चर हॉल्स हैं नीचे फिलहाल, और इसकी एंट्रेंस वहाँ है आगे से, और हाँ इसी हॉस्टल के नीचे जो ये बेसमेंट आपको दिख रहा है यहाँ से अंदर जाके हमारा जिम एरिया पूरा नीचे, यहाँ पे हमको जो विंटर्स में जब यहाँ पे स्नो होती है सब जगह, अभी तो बहुत ग्रीनरी दिख रही है, विंटर्स में कुछ नहीं, वाइट कलर के अलावा कुछ नहीं दिखता है हमको यहाँ पे, तो बस विंटर्स में यहाँ पे नीचे क्लास चलती है हमारी फिजिकल कल्चर की क्लासेस, जहाँ हमको एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, टेबल टेनिस खिलवाते हैं। और हाँ नीचे बहुत बड़ा एरिया, बहुत ओपन एरिया है, और हाँ हमारे जो डांस प्रैक्टिस वगैरह हुई थी फ्रेशर्स के लिए वो भी इसके नीचे ही हुई थी। ये है हमारी हॉस्टल नंबर 3, और यहाँ पे भी सेम वही स्ट्रक्चर दे रखा है कि आगे बालकनी है, कपड़े सूख रुक रहे हैं, और इधर बैठने के लिए एरिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ आके भी बैठते हैं बहुत। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ के लोग ना चीज़ों को मेंटेन बहुत करके रखते हैं, आप खुद देख सकते हो जो यहाँ पे इन लोगों ने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि स्नो के बाद यहाँ सब कुछ सूखा हो जाता है, और फिर भी जैसे ही सीज़न चेंज हुआ इन लोगों ने हाथों हाथ ही वर्क करना शुरू कर दिया। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आपने पूरा कैंपस में कहीं गंदगी नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग वर्कर्स एनी टाइम क्लीन करते ही रहते हैं, तो गंदगी का कोई सवाल ही नहीं कहीं पे। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। ये इधर बाहर की तरफ वॉशरूम बनाया है, बच्चे जो बाहर बाहर खेल रहे हो तो वो यहाँ पे वॉशरूम यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो वहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, मैच चल रहा है बच्चों का, टूर्नामेंट तो क्या मैच चल रहा है, और सब लोग यहाँ बैठ रहे हैं, शाम का टाइम है तो सब बच्चे मैच भी देख रहे हैं, खेल भी रहे हैं, और जो नहीं खेल रहे हैं वो साइड में बैठ के देख रहे हैं। ओ, लगता है फिनिश हो गया इनका मैच, कौन जीता रे जो बताएगा? बता रही शायद सौगंध की टीम जीती है। हाँ
नहीं रे, उसकी टीम तो एक भी मैच नहीं जीती है, मेरे को लगता है एक ही जीती थी। एनीवेज ये यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं, यहाँ पे भी है वैसे तो, और वहाँ बास्केटबॉल, और इधर डोम टाइप का कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे सिटिंग एरिया बनेगा और ये बहुत बहुत ही अच्छा बनने वाला मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लुक तो इसका अच्छा ही आ रहा है वैसे। ये ओपन जिम है यहाँ पे, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं बच्चे शाम को आके, और ये बेस्ट जगह लगती है मेरे को क्योंकि हैंग आउट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पे हम अच्छे से। चल लटक ना, कुछ कर ना, मैं भी लटकता, तू भी इधर से लटक। 1, 2, 3, 4। और ये है हमारी कॉलेज का मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम एंटर होते हैं। फिलहाल तो ये बंद है तो मैं आपको अंदर से व्यू दे भी नहीं सकता और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता अंदर से फिलहाल तो। ये छोटे छोटे बच्चे, प्रिवेत, वालेकुम सलाम। तो इसका मैं आपको व्यू बाहर मैं कभी दूंगा। और यहाँ पे भी बेंचेज लगी है हर जगह की तरफ बच्चों के बैठने के लिए। सो ये बेसिकली सेंटर है पूरे कैंपस का, यहाँ से हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 1, कैंपस का कॉलेज और स्पोर्ट्स एरिया, जिम एरिया सभी दिख जाता है। और यहाँ पे मोस्टली बच्चे बहुत बैठते हैं शाम के टाइम घूमने आते हैं, और फिलहाल हमारा तो फेवरेट स्पॉट है यहाँ बैठते हैं। और इसी के साथ हम हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हो गया मैथ्स का टाइम। और हाँ एक और चीज़, यहाँ सर्दियों में ना सुबह 8-9 बजे तक अंधेरा इतना रहता है ना कि ऐसा लगता है रात ही है, और शाम को 5 बजे भी अंधेरा होता है। पर अभी गर्मियों में अभी 8:30 से ऊपर हो गए हैं, 8:33 हो गए हैं, बट अभी भी अंधेरा नहीं हुआ, और ये 9 बजे तक अंधेरा नहीं होने वाला है, या 9:30 तक बिल्कुल 9 से एकदम 9:30 बजे ना अंधेरा होता है यहाँ। और सुबह जब क्लास जा रहे हो और सुबह जब उठते हैं हम खिड़की खोलते हैं 5:30 बजे तो धूप इतनी होती है ऐसा लगता है कि अरे 9 बज गए, बट उस 5:30 बजे भी ऐसा लगता है कि भाई उठ ही जाओ। मतलब गर्मियों में दिन बहुत बड़ा होता है और रात तो इतनी छोटी है फिलहाल अभी तो, कि अभी सोए अभी उठ जाते हैं और दिन में फिर अलग से सोना पड़ रहा है। ये अभी हम खाना खाने जाने वाले, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको KSM में। और हाँ मैं ट्रस्ट मी KSM बहुत बहुत अच्छी जगह है, मेरे को ऑडियंस में बहुत डाउट तक किया है कैसे है क्यों, बट मेरे को यहाँ पर बाकी सबसे एज कम्पेयर बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे यहाँ कैंपस बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की क्लासेज अच्छी है, टीचर्स तो यहाँ के बहुत बहुत प्यारे हैं। और अगर आपका ग्रुप अच्छा मिल गया, टीचर्स अच्छे मिल गए, तो सच्ची में आपका फर्स्ट ईयर तो बहुत स्मूथ जाने वाला है, क्योंकि मेरा तो सीरियसली बहुत स्मूथ गया फर्स्ट ईयर। और मैथ्स का खाना भी वैसे अच्छा ही मिलता है, ब्रेकफास्ट तो यहाँ का बेस्ट है मैथ्स का ट्रस्ट मी। एंड सीरियसली मतलब आ जाओ, क्या सोच रहे हो क्या, KSM में सच्ची जगह और कॉलेज तुम्हें किर्गिस्तान में मेरे को नहीं लगता कुछ मिलने वाला है, तो बस सोचो मत और KSM में आ जाओ। एंट्रेंस है यहाँ मैथ्स की, और यहाँ पे वेज खाना मिलता है, वहाँ मिलता है नॉन वेज, और सिटिंग एरिया है आगे, और इस तरफ है किचन, और मामा खाना दे रही, मामा मेरे को भी दे दो प्यार। और ये मैंने ले लिया अपना खाना, और लेते हैं अब अपनी सब्जी। विवेक मेरे को भी डालना थोड़ा खाना सब्जी साइड में, थैंक यू। I'm not going to do it.